these students in this module we are going to discuss symbolic interactionism and its point of view about religion and social change interactionist perspective emphasizes the role of individuals and their interpretations of religion in shaping social change kisi bhi ke andar badi tabdili lane ka bhi ek role hota symbolic interactionists के महबीी अकायद ख़ास तौर पर उनकी जो सिम्बॉक यूटिलिटी और सिग्निफिकेंस है उसके ज़रिए माशरों के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं एंड रिलीजस बिलीफ एंड प्रैक्टिस कैन चेंज ओवर टाइम एज़ अ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिस एंड सोशल इंट्रैक्शन इसी तरह से माशरों के अंदर तब्दीलियाँ जो हैं, वो भी महबी अकद के अंदर मौजूद जो सिम्बोलिक रिफ्लैक्शन्स या रिप्रजेंटेशन होती हैं उनके अंदर भी रिफ़लैक्ट हो रही होती हैं तो so, दूसरे लफ्सों में जो रिलीजस uh, बिलीफ्स हैं वो सोशल चेंज का बायस बन सकते हैं और बाकी जो एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनके अंदर आने वाली बड़ी तब्दीलियों की वजह से जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनमें भी तब्दीलियाँ आती हैं सो इट्स अ टू वे प्रोसेस और इसमें जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारी सिम्बल्स होती हैं और उनके जो मीनिंग्स होते हैं और ख़ासतौर पर जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती हैं उनमें इनकी रिफ़्लैक्शन जो है ये बहुत अहम रोल प्ले करती है इन दोनों के अंदर आने वाली तब्दीलियों में सो रिलीजस इंस्टीट्यूशनस कैन बी दाइट्स ऑफ सोशल चेंज वन दे आर ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड इंटरप्रटिशन अगर हम पाकिस्तानी माशरे के अंदर भी देखें और थोड़ा सा गौर करें तो ना सिर्फ हमारे मजहबी अकायद के अंदर और उनकी प्रैक्टिस के अंदर रीजन टू रीजन वेरिएशनस मौजूद हैं बल्कि ये जो इलाकाई डिफ्रेंस हैं वो हमें जगह जगह के ऊपर पाकिस्तान के अंदर नज़र आते हैं मसल अगर हम ख़ास तौर पर नमाज किस तरह से अदा करनी चाहिए उसके हवाले से ही देख लें तो नमाज़ अदा करने के तरीके जो हैं वो भी कुछ सेक्टेरियन डिफ्रेंसिस की वजह से मुख्तफ हो जाते हैं इसी तरह से रीजनल डिफरेंस भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं कल्चरल डिफरेंस शामिल हो जाते हैं और ख़ास तौर पर जो लिंग्विस्टिक डिफरेंस हैं उनकी वजह से भी छोटी छोटी तब्दीलियाँ हैं वो हम मुख्तलिफ मजहबी अकाद के अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं तो सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनस्ट ये कहते हैं कि महब जो है वो जो अपनी आइडियल फॉर्म के अंदर होता है सोशालोजिस्ट के लिए वो इतना इम्पॉटेंट नहीं है जितना इम्पॉटेंट उनकी उसकी प्रैक्टिस होती हैं तो आपको वो जो मज़हब की मुख्त्य प्रैक्टिस हैं या उन प्रैक्टिस के अंदर जो वेरिएशन है उसको देखना चाहिए उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए और लोगों से उसकी एक्सप्लनेशन सीख करनी चाहिए कि क्यों कुछ लोग जो हैं या किसी एक ख़ास रीजन के लोग उन्हीं महबी अकायद को एक ख़ास अंदाज से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं नस्बता दूसरे इलाकों के लोगों के सो रिलीजन कैन बी द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर सोशल मूवमेंट्स एंड एक्टिविज्म तो अगर हम सोशल चेंज की बात करें तो डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स के अंदर भी जैसे फिलोंथ्राफिक मूवमेंट्स होती हैं उनके अंदर भी महबी लोग जो हैं बहुत एक्टिवली परफॉर्म करते हैं जैसे रिसेंट पास के अंदर जो है फ्लड uh, आया पाकिस्तान में तो उस वक्त बहुत सी मजहबी तनजीमें जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के फिलंथ्राफिक वर्क के अंदर हिस्सा लिया लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की और इस तरह से उनके अंदर मौजूद जो ये जज्बा है जो महबी अकद की वजह से होता है इसको सिम्बोलिक इंटरेक्शनस जो हैं वो बहुत वैल्यू करते हैं दैन वी हैव द इन्फ्लुंस ऑफ सूफीज़म इन पाकिस्तानी इस्लाम दैट हैज़ बीन साइटेड एज़ अ सोर्स ऑफ टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस तो सूफ़ीज़म में भी जो सम्बॉलिक्ट्रैक्शनस हैं वो कहते हैं कि चूँकि इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल टॉलरेंस तो इसके अंदर मुख्तलिफ मजहबी अकायद का आपको एक मजमु या मेलगमेशन नज़र आती है और ये जो बिलीफस हैं ये डिफरेंट प्रैक्टिस की मैनीफेस्टेशन के अंदर भी नज़र आते हैं दैन द रोल ऑफ रिलीजस लीडर्स इन प्रमोटिंग इंटरफेथ डायलाग एंड हारमोनी इन अंडरस्टैंडिंग इन पाकिस्तान रिफ़्लेक्ट्स द पोटेंशियल फॉर रिलीजन टू प्रमोट सोशल चेंज एंड कॉप्रेशन इन दोसाइटी इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ऐसे मजहबी अकएद हैं जो डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट रिलीजनस जो हैंस डिफरेंट रीजन्ब्जेक्ट टू चेंज होते हैं और उनकी प्रैक्टिस के अंदर जो सिम्बॉलिक वैल्यूज़ होती हैं ख़ास तौर पर वो किस तरह से रिफ्लैक्ट होती हैं और लोगों की उसके हवाले से क्या एक्सप्लेनेशंस होती हैं कि एक ही महबी अकीदे को जो है डिफरेंट तरह से प्रैक्टिस किया जाता है इसके पीछे उनकी क्या एक्सप्लेनेशंस हैं